तो दोस्तों, क्या आप भी अपने YouTube चैनल के अवार्ड सेक्शन में सोशल मीडिया का लिंक को डालना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में अपने YouTube चैनल के अवार्ड सेक्शन में सोशल मीडिया का लिंक को कैसे डालते हैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यूट्यूब चैनल के अवार्ड सेक्शन में सोशल मीडिया का लिंक को डालने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल के अवार्ड सेक्शन में जिस भी सोशल मीडिया का लिंक को डालना चाहते हैं, सबसे पहले आपको उस सोशल मीडिया का लिंक को कॉपी करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल के अवार्ड सेक्शन में Instagram का लिंक को डालना चाहता हूँ। तो चलिए, मैं सिंपल सा अपना Instagram का लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। तो दोस्तों, Instagram का लिंक को कॉपी करने के लिए आपको अपना मोबाइल का कोई सा ब्राउजर को ओपन कर लेना है। क्योंकि दोस्तों, Instagram पर Instagram का लिंक को कॉपी करने का ऑप्शन नहीं रहता है, इसके लिए हमें अपना मोबाइल का ब्राउजर में जाना पड़ता है। आपको अपना मोबाइल का कोई सा ब्राउजर को ओपन कर लेना है। आप चाहे तो अपना मोबाइल का ही ब्राउजर को ओपन कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर अपना क्रोम ब्राउजर को ओपन कर रहा हूँ। तो चलिए, मैं यहाँ पर अपना क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो आपको सिंपल यहाँ पर सर्च बार में सर्च कर देना है instagram.com। तो आप जैसे ही instagram.com सर्च कर देते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो आपको सिंपल यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलकर आ जाएगा। तो आपको सिंपल यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर या यूजर नेम और पासवर्ड डालकर सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो आपको सिंपल यहाँ पर नीचे में अपने लोगो पर क्लिक कर लेना है। तो आप जैसे ही अपने लोगो पर क्लिक कर लेते हैं, आपके सामने आपका Instagram का प्रोफाइल ओपन होकर आ जाएगा। तो आपको सिंपल यहाँ पर ऊपर में एक थ्री डॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आपको सिंपल यहाँ पर इस थ्री डॉट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो आप जैसे ही थ्री डॉट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है शेयर। तो आपको सिंपल यहाँ पर इस शेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो आप जैसे ही शेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं, आपके सामने Instagram का लिंक को कॉपी करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप सिंपल से यहाँ से अपना Instagram का लिंक को कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद दोस्तों, अब आपको इसे बैक कर देना है। बैक करने के बाद अब आपको फिर से अपना मोबाइल का ब्राउजर को ओपन कर लेना है। आप चाहे तो फिर से क्रोम ब्राउजर को ओपन कर सकते हैं, पर मैं इस बार अपना मोबाइल का ब्राउजर को ओपन कर रहा हूँ। तो चलिए, मैं यहाँ पर अपना मोबाइल का ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर सर्च बार में सर्च कर देना है youtube.com। तो आप जैसे ही youtube.com सर्च कर देते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो आपको सिंपल यहाँ पर सबसे पहले थ्री डॉट में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका ब्राउजर का डेस्कटॉप साइड मोड ऑफ है, तो सबसे पहले आपको इसे ऑन कर लेना है। तो चलिए, मैं यहाँ पर अपना ब्राउजर का डेस्कटॉप साइड मोड को ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद अब आपको सिंपल यहाँ पर साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने जिस भी जीमेल आईडी से अपना यूट्यूब चैनल को बनाया है, आपको उस जीमेल आईडी से यहाँ पर साइन इन कर लेना है। तो चलिए, मैं यहाँ पर अपना जीमेल आईडी और पासवर्ड डालकर सबसे पहले यहाँ पर साइन इन कर लेता हूँ। साइन इन करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको सिंपल यहाँ पर ऊपर में अपने चैनल के लोगो पर क्लिक कर लेना है। तो आप जैसे ही अपने चैनल के लोगो पर क्लिक कर लेते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है योर चैनल। तो आपको सिंपल यहाँ पर इस योर चैनल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप जैसे ही योर चैनल के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो आपको सिंपल यहाँ पर कस्टम माइज चैनल के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो आप जैसे ही कस्टम माइज चैनल के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है बेसिक इन्फो। तो आपको सिंपल यहाँ पर इस बेसिक इन्फो के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो आप जैसे ही बेसिक इन्फो के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलकर आ जाएगा। तो आपके ऊपर नीचे में एक ऑप्शन मिल जाएगा लिंक ऐड का। तो आपको सिंपल यहाँ पर इस लिंक ऐड के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो आप जैसे ही लिंक ऐड के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं,
आप सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है इंटर टाइटल और इंटर URL। तो आप यहाँ पर इंटर टाइटल में आप अपने YouTube चैनल के अवार्ड सेक्शन में किस ऐप का लिंक को ऐड करना चाहते हैं आपको उस ऐप का नाम लिखना है। तो दोस्तों मैं अपने YouTube चैनल के अवार्ड सेक्शन में Instagram का लिंक को ऐड करना चाहता हूँ। तो चलिए मैं सिंपल यहाँ पर Instagram लिख देता हूँ। Instagram लिखने के बाद दोस्तों अब आपको सिंपल यहाँ पर इंटर टाइटल में क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप जो Instagram का लिंक को कॉपी करेंगे सिंपल से आप यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों अब आपको सिंपल से यहाँ पर ऊपर में एक पब्लिश का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको सिंपल से यहाँ पर इस पब्लिश के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो आप जैसे ही पब्लिश के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं आपके भी YouTube चैनल के अवार्ड सेक्शन में Instagram का लिंक ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप भी अपने YouTube चैनल के अवार्ड सेक्शन में सोशल मीडिया का लिंक को ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर जितना चाहिए उतना सोशल मीडिया ऐप का लिंक को ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको आप जिस भी सोशल मीडिया का लिंक को ऐड करना चाहते हैं सबसे पहले आपको उस सोशल मीडिया का लिंक को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर ऐड लिंक के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको उस सोशल मीडिया का लिंक को लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर URL के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद सिंपल से आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर ऊपर में पब्लिश के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपका भी YouTube चैनल के अवार्ड सेक्शन में लिंक ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप भी अपने YouTube चैनल के अवार्ड सेक्शन में जितना चाहे उतना सोशल मीडिया का लिंक को ऐड कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो थैंक यू दोस्तों मिलते हैं किसी ऐसे नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।